तुम लोग डरो मत, ये भूत नहीं है संजय, ये भूत ही है और ये हमें जल्दी मौत दे देंगे। और अगर तुमने जल्दी से कुछ नहीं किया ना तो ये चिकन रोल की तरह हमें चबा चबा के खा जाएंगे। तुम लोग भूत हो या पिशाच, मैं तुम लोग से नहीं डरता, मैं तुम लोग से लड़ने के लिए तैयार हूँ। संजू तुम ये क्या कर रहे हो, वापस आ जाओ। हाँ संजू। नहीं, तुम अभी संजना के पास रहो, मैं और नीतू जाकर पार्थ और रितु को ढूंढे, ठीक है? ओके, बेस्ट ऑफ लक नीतू। चलो नीतू। माय गॉड संजना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? तुम्हें देखकर। मुझे देखकर कि भूतों को देखकर? तो तुम क्या भूतों से कम देखते हो क्या? हाँ। क्या? संजू, हम ऋतु और पार्थो को कैसे ढूंढेंगे? हमें इस बंगले का हर एक कमरा चेक करना होगा, उन लोगों ने उन दोनों को गायब करके किसी कमरे में बंद करके रखा होगा। संजू, तुम्हें क्या लगता है, क्या सचमुच बंगले में रुसम का भूत रहता है? देखो नीतू, भूत कुछ नहीं होता। आई नो, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। चलो अब हम पार्थो और रितु को ढूंढे। सो हॉरिबल। नीतू चलो जल्दी। नीतू कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। संजना, तुझे क्या लगता है संजू नीतू और पार्थो को ढूंढ पाएगा? देख नीतू, संजू ने अब तक हर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और मुझे लगता है वो भूतों से निपट लेगा। लेट्स होप सो। हे वाहेगुरु, संजू की मदद करना। कोई कोई किसी की मदद नहीं कर पाएगा, रुस्तम का भूत किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन चौकीदार अंकल, वो रुस्तम के भूत से बचने का कोई तो रास्ता होगा। जब तक हम लोग बंगले के अंदर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम बंगले के बाहर निकल गए तो? यदि हम लोग बंगले से बाहर निकल जाएं, तो भूत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि भूत सिर्फ बंगले के अंदर रहने वालों को नुकसान पहुंचाते हैं, बाहर वालों को नहीं। लेकिन हम बंगले के बाहर कैसे जा सकते हैं? क्यों? अरे उन कमबख्त भूतों ने सारे खिड़की और दरवाजे बाहर से बंद करके रखे। हे टीटो, अगर कोई खिड़की या दरवाजा खुला होगा तो चलो जाकर चेक करते हैं। हाँ, नॉट अ बैड आइडिया, चलो ट्राई करते हैं। काका, आप भी हमारे साथ चलेंगे चेक करने? हमें मालूम है कोई खिड़की दरवाजा खुला नहीं होगा। लेकिन काका, चेक करने में क्या नुकसान है ना? हो सकता है हमें रुस्तम के भूत से बचने का और इस बंगले से बाहर जाने का रास्ता मिल जाए। तो तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। चलो टीटो, हम ही जाकर चेक करते हैं। चलो चलते हैं। खिड़की
आ रहे, सब भूत ही नजर आ रहे। ये घर या भूतों का अड्डा। आर्या संजना, मैं हूँ ना, मैं भूतों से पूछ के आता हूँ। टीटो जस्ट जोकिंग। टीटो तू जोकर बन, बंद कर और चल, सब खिड़की और दरवाजे चेक करते। पहली बार तुमने अक्ल की बात की, चलो चलते। अरे यार ये तो बंद है, ये भी नहीं खुल रहा। अब क्या करें? टीटो जल्दी कुछ करे। आइडिया आइडिया। अभी खोल के रहूंगा मैं। तो चल चल चल। 1 2 3 पहले ऋतु गायब हुई, फिर पार्थो, और उसके बाद नीतू। मुझे लगता है कि इस बंगले में सचमुच भूत है। नहीं संजू, भूत कैसे हो सकते? रिलैक्स रिलैक्स। देख संजू, वो लोग इसी बंगले के अंदर होंगे, तुम्हें उन्हें ढूंढना है, ठीक है? इसी कमरे से आ रही है, अंदर जाकर चेक करना होगा। कहाँ पे म्यूजिक? यही से आवाज आ रही है। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? टॉर्च टॉर्च टॉर्च। कौन है वहाँ? कौन है? कौन है? क्या मैं जानता हूं, ये माँ जी का घर मुझे कोई डराने की कोशिश कर रहा है। तुम लोग भूत नहीं हो, मैं जानता हूं वो। तुम जो भी हो, मैं तुमसे नहीं डरता, लेकिन तुम हो कौन? लेकिन मैं जल्दी पता लगा करूंगा, समझे? तुम समझे? सबसे पहले मुझे उस डरावनी म्यूजिक का पता लगाना है। म्यूजिक सिस्टम, कोई हमें इस म्यूजिक सिस्टम में डरावनी म्यूजिक की रिकॉर्ड लगाकर डराने की कोशिश कर रहा था। चलो अब ये डरावना म्यूजिक तो बंद हो गया, अब मैं जाकर रितु, पार्थो और नीतू को ढूंढता हूँ। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।